हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। सो गाइस, यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो तेज सर्वर में हम लोग खेल रहे हैं और बगल में ये बेस है एक अपसाइड लीजन का, तो जिसमें एक बंदा हैकर भी है जिसका नाम बरिया है और उनके लीजन में लगभग सभी बंदे एक्टिव है। मुझे तो कभी कभी लग रहा उनकी शायद दो लीजन है, लेकिन शायद एक ही लीजन है, लेकिन शायद दो लीजन भी हो सकती है गाइस, लेकिन पता नहीं। अब जो भी हो, लेकिन बंदे जो है गाइस ज़्यादातर लीजन के, मतलब ज़्यादातर सभी बंदे जो है वो एक्टिव है और सबका मतलब अच्छा पीपी है गाइस, क्योंकि भाई अच्छे डिवाइस पे खेलोगे तो पीपी तो अच्छा हो गई। और यहाँ पे गाइस एक और बंदा है कि हमको मार चुका है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर गन्स नहीं थी गाइस। मैं सीधा स्पॉन हुआ था बैक पर और सीधा जाके वहाँ पर लोग कुछ रेड उड कर रहे थे, तो मैं जाके देखने लगा था तो गन्स नहीं थी और मेरे पे थोड़े लूट थी। अच्छा वो मेरा, मैंने ध्यान नहीं दिया गया इसकी, मेरे बैग में लूट है, मैं बाहर चला गया था, नहीं तो मेरा पूरा लूट चला जाता। 54 स्टील था, स्टील बार्स थे गाइस, 54 स्टील बार्स काफ़ी होते हैं तो वो भी चले जाते। तो अभी हम लोग एक फमास उठाते और बोन सेट पहन के अभी हम लोग चलते गाइस बाहर, उस बंदे को कुत्ता बनाते हैं। और अगर सबसे ज़रूरी बात, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट गाइस जिन्होंने मतलब इतने अच्छे प्यारे कमेंट्स किए हैं गाइस यहाँ पर और इतना सपोर्ट दिखाया है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा शाउट आउट जाता है समीर खुर्रम को, क्लिप्स को और ब्लॉक्स किंग और राकेश वागेला को। सो गाइस, तो आप सभी को शाउट आउट और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आगे भी ऐसे कमेंट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए गाइस यहाँ पर। और गाइस, सबसे ज़रूरी बात, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो पर भी नए हैं, तो वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पर स्कैन है उसकी, बजा दी अच्छे से एकेएम से। और गाइस यहाँ पर गाइस इस वीडियो में अभी हम लोग टैंक भी किल करने जाएंगे गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूँ गाइस, पिछली वीडियो में मैंने मतलब अपनी ग्राफिक्स जो थी उसको अल्ट्रा लो पे कर दिया था गाइस, जिससे पता नहीं गेम इंप्रूव हुआ कि नहीं। गेम तो वैसे ही घू खा रहा है पहले से भी, जितना पहले घू खाता था उतना ही घू खा रहा है, थोड़ा सा कम हो गया होगा, लेकिन गाइस कोई फ़ायदा नहीं है गाइस ग्राफिक्स लो अल्ट्रा लो करके। वैसे भी ये मतलब लैग तो कम हुआ नहीं, काफ़ी उतना ही लैग होता है गाइस, और ऊपर से गाइस ग्राफिक्स भी काफ़ी बेकार हो गए। दूर का भी आपको पता है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी कुछ दिखता नहीं है और पास का भी जो है एकदम बेकार दिख रहा है। तो भी हमको लग रहा है गाइस गुड पे कर लेना चाहिए ग्राफिक्स, अल्ट्रा लो कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गया है ग्राफिक्स पे, मतलब एकदम क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही बेकार अल्ट्रा लो पे लग रहा है गाइस यहाँ पे खेलने में। मतलब ग्राफिक्स तो लो हो जाए लेकिन जो चैट उठ रहता है और जो बंदों का नाम दिखता है ना, जैसे अभी देख सकते हो प्रणव का दिख रहा है और रमन का भी, वीके थोड़ा ब्लर हो जाता है और जो टेक्स्ट होता है ना गाइस वो भी ब्लर हो जाता है, यहाँ तक कि मैप भी ब्लर हो जाता है, सब चीज़ ब्लर हो गया। और यहाँ पे गाइस अपने अदरक भाई हैं जिन्होंने फार्मिंग किया गाइस, लगभग जो पूरा हमारे इस चर में जितना ज़्यादातर मतलब लगभग आप पूरा आयरन मान लो जितना भी आयरन फार्म किया है सब अदरक भाई ने किया, यानी अदरक 3FT भाई ने। तो देख सकते हो अभी ये आधा लार्जेस भर के यहाँ पे आयरन फार्म करके लाए और यहाँ पे बाइक भी लेके आए हैं शायद यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा अभी तक अदरक भाई ने तीन लार्जेस यानी तीन बॉक्स आयरन फुल फार्म कर दिए हैं। स्टील लगभग 2000-2500 या 1500 स्टील फार्म किया होगा, ज़्यादा ही हो गया, स्टील ज़्यादा ही फार्म किया होगा। और गाइस यहाँ पे भी तो हम लोग आ चुके गाइस, और जिन लोगों को भी लीजन में ज्वाइन होना, बहुत लोग बोल रहे लीजन में ज्वाइन, तो भाई आप लोग सर्वर ज्वाइन हो जाओ तो मैं सर्वर आपको बता देता हूँ। सर्वर जो है रैंक्ड CPC 3, रैंक CPC का सर्वर नेम जो है वो टेक लिस्ट या जो भी होता है टेक लिस्ट हिट लिस्ट 366 है, CPC रैंक का 366 है, 366 सर्वर है, ठीक है गाइस। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा आपको, आप ज्वाइन हो सकते हो। और लीजन ज्वाइन करने आपको सर्वर ज्वाइन करके हमारे बेस के पास बेस बना के आपको खेलना पड़ेगा, बस आप बता देना कि हम लीजन में ज्वाइन होना चाहते हैं, हम यहाँ पे खेल रहे हैं, तो गाइस हम लोग आपको बाद में ले लेंगे अगर आप अच्छे से खेलोगे, अगर ट्रस्ट हो जाएगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा स्कैम हो चुका है ना अपने साथ, इसलिए हम लोग किसी को भी अभी जल्दी डायरेक्ट लीजन में नहीं ले रहे हैं, खास करके जबकि सर्वर में आधा सर्वर जो है वो मतलब आधे बीच में सर्वर में नहीं ले रहे हैं। सर्वर शुरुआत होता तो मैं ले लेता, अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सर्वर में काफ़ी टाइम हो गया, एटलीस्ट 1 वीक या 5 डेज हो चुके हैं गाइस इस सर्वर में, तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग गाइस आ चुके, तो टैंक किल करने, हमने अपना बैग भी स्लीपिंग बैग्स भी यहाँ पर लगा लिए गाइस, तो हमें सीधे जाके करना क्या है, टैंक का बचाना है पुंगी, मतलब टैंक को सीधा हम लोग को फोड़ना है टैंक को, ठीक है गाइस। तो अब बस टैंक को हम लोग ढूंढ लेते हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने AKM लिए गाइस, और मैं आपको बता दूँ कितनी बुलेट्स में लेके आया था, तो चीसी जो है वो UG से फोड़ेगा गोल गोल रानी करके, तो गोल गोल रानी हमारे बस की बात नहीं, हमारे डिवाइस गू खाने लगेगा, पता नहीं बीच में गू खाने लगा तो हम लोग वहीं पर लटक जाएंगे, तो इससे अच्छा है हम लोग कवर में रह के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं AKM लेके आया हूँ, 600 MO है मेरे पास AKM की गाइस, और फमास भी दे दिए चीसी ने कि अगर बुलेट्स ख़त्म हो जाएगी AKM की तो गाइस यहाँ पे अपना पोपट हो गया, तो कोई बात नहीं गाइस बैग लगाया था हमने। तो दोबारा आते हैं हम लोग यहाँ पे, आर्मर उतार लेते हैं गाइस, क्योंकि देख सकते हो आप लोग एमओ देख सकते हो, 600 MO है लगभग यहाँ पे, लगभग क्या 600 MO, बस एक एमओ कम है यहाँ पर,
AKM की और 30 लोडेड है। और यहाँ पे देख सकते हो तो यूज फमास भी है, उसमें भी लगभग 250-300 एमओ दी थी। तो AKM का बुलेट कम पड़ेगा तो हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे गाइस यहाँ पर। तो अभी जल्दी से अपना लुटाते हैं और एक बैंडेज लगा के गाइस सीधा हम लोग पूरा आर्मर फुली इक्विप कर लेते हैं गाइस यहाँ पर। तो पहले मास्क पहन लिया गाइस क्योंकि रेडिएशन कम हो जाएगा। तो पहले क्या था गाइस कि 10 रेडिएशन के बाद ही डैमेज होने लगता था, लेकिन अभी क्या है गाइस ना, मतलब अभी जब 20 रेडिएशन के ऊपर होता है तब जाके डैमेज होता है। तो अभी हमें मिल चुका है गाइस, हमने हेल्थ भी फुल कर ली। तो अभी टैंकी पुंगी बजाते हैं गाइस यहाँ से। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Never notice. Can't get back drunk. Girl, I miss you. Can't get back drunk. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes in Hollywood perfect. सो गाइस यहाँ पर लगभग हमारा टैंक अभी तक तो फूट जाना चाहिए, लगभग फूटने ही वाला हो गया गाइस। और चिस्सी भाई ने भी काफ़ी डैमेज दिया यहाँ पर गाइस, गोल गोल रानी करके यूजी का स्प्रे दिया है गाइस, काफ़ी डैमेज चिस्सी ने भी दिया यहाँ पर। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पर टैंक फूटने में गाइस, लगभग फूट जाना चाहिए गाइस। क्योंकि देख सकते हो AKM का भी हेल्थ मेरा आधे से कम हो चुका है, चिस्सी ने भी काफ़ी डैमेज दिया यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर टैंक जो है वो हमारा यहाँ पर फूट चुका है गाइस यहाँ पर। तो टैंक जो हमारा फूट चुका है तो अभी हम लोग हीलिंग लगा लेंगे और इसका वेट करेंगे कूल डाउन होने का। सो गाइस यहाँ पर अभी इस बार टैंक किल करने सिर्फ मैं और चिस्सी आए थे, DK QF भी आया था लेकिन उसको हमने मना कर दिया, तुम अंदर मत आना, तुम बाहर ही रुकना गेट पे। तो ये है DK QF भाई, तुमने इनको बाहर ही रुकने को बोला था क्योंकि देखो बार बार कोई भी मरता था तो इनमी को मतलब पता चल जाता था कोई टैंक किलर। और अपसाइज और गाइस यहाँ पे मेरा पोपट हो गया गाइस, हर बार मेरे साथ होता है जब भी मैं ऐसे टैंक से मरता हूँ ना, मतलब बलि चढ़ जाती है इस पे टैंक पे। तो आपको भी करना क्या, एक बंदे की बलि से चढ़ानी है, उसके बाद देखोगे ना गाइस टैंक जैसे ही वो जब तक स्पॉन होकर आएगा ना गाइस, तब तक टैंक जो वो कूल डाउन हो जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पर जैसे मैं स्पॉन होकर आया, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा गाइस, 2-3 बार हो चुका है जब भी मैं ऐसे अचानक से गलती से मर जाता हूँ टैंक के ऊपर ऐसे ही करने में, तभी गाइस टैंक जो यहाँ पर कूल डाउन हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था गाइस कि अगर एक भी बंदा मर जाएगा तो गाइस मैं बताऊं आपको, जो अपसाइज लीजन है गाइस जब भी हेली आता है ना गाइस, वो लोग 15-20 मिनट के अंदर उसको फोड़ देते हैं गाइस हेली को, मतलब जितनी भी हेली उसको ही ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपसाइज लीजन। तो अगर उनको पता चला कोई टैंक फोड़ रहा है अगर ज़्यादा बार मरे, क्योंकि मैं ही सिर्फ एक बार मरा हूँ तो इतने में शक नहीं जाएगा, अगर 2-3-4 बार लगातार अगर आप किल हो गए टैंक से तो इनमें को लग जाएगा कि कोई टैंक किल कर रहा है। तो यहाँ पे लूट जो मिल चुकी है, टैंक जो कूल डाउन हो चुका है, तो आप लोग लूट देख सकते हो। तो जो हमको यहाँ पे जो हम लोग टैंक फोड़ने आए थे वो तो पहले अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, और गए दूसरा जो आए थे हम लोग C4 के लिए, क्योंकि हमारे पास C4 नहीं था, लेकिन एक भाई थे अपने मतलब उसी सर्वर में खेल रहे हैं, उनकी आईडी मुझे याद नहीं आ रही है, तो उन्होंने ही हमको C4 दे दिया गाइस यहाँ पर। तो उनसे बात हुई तो वो कहे कुछ चाहिए, तो मैं कहा C4 चाहिए, तो भाई ने एक C4 हमको दे दिया गाइस। तो बस हम लोग रेसिपी निकालेंगे गाइस उसकी। और यहाँ पे गाइस थोड़ी सी गन्स मिल गई, स्टील मिल गई है बस, और एक सेल मिल गया बाजूका का, और भी कुछ लूट मिल गई। तो गाइस यहाँ पे ठीक ठाक लूट मिली, 10 पॉइंट मेडल भी मिल गए। तो
अभी तो टैंक किल हो गया था गैस, फिर हमने सोचा गैस यहाँ पर अभी चलते हैं एवेंजर किल करने। तो हम लोग आ चुके गैस यहाँ पे पीकूड के पास और यहाँ पे अपनी बोट तैयार है गैस। अब हम लोग को सीधा बोट चढ़ना है और यहाँ पे जाना है सीधा एवेंजर चचा का कत्ल करने। तो यहाँ पे चीसी ने देख के आया था कि एवेंजर है, फिर उसने मुझे बताया, तो मैं थोड़ा देर बाद ऑन आया था। तो आई होप कि गैस अभी तक किसी ने किल नहीं किया हो एवेंजर को, तो हमें जरूर एवेंजर का किल भी मिल जाएगा, तो पॉइंट मेडल भी। और एवेंजर से भी गैस काफ़ी अच्छी खासी गन्स मिल जाती है गैस यहाँ पे, एआर गन्स काफ़ी अच्छी खासी जो एवेंजर को किल करने में मिल जाती है गैस यहाँ पे। और कभी कभी एवेंजर से और भी कुछ अच्छी लूट मिल जाती है, जैसे बाज़ूका भी मिल सकती है गैस उससे। सो गैस यहाँ पर हो गया हमारे साथ बहुत गंदा स्कैम, एवेंजर चचा का पहले ही किसी ने कत्लेआम कर दिया गैस, उनका कत्ल हो चुका है गैस। एवेंजर चचा दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे हैं, एवेंजर चचा अपने चचा के घर चले गए हैं। तो अभी वो 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद दोबारा से आएंगे गैस यहाँ पे, तब उनका कत्लेआम करेंगे। दरअसल हुआ कि गैस जब चीसी ने देखा तो उसको वही टाइम किल कर देना चाहिए था, लेकिन भाई ने अच्छा काम किया, उसने मुझे बताया कि चलो भाई रॉयल भाई किल करते हैं, आप वीडियो बना लेना। तो इसीलिए मैं आया था गैस यहाँ पे किल करने, लेकिन हमको आते मेरा गेम चालू होते यहाँ पे पहुँचते गए हमको 40 मिनट लग गए, लगभग 30 से 40 मिनट लग गए। उतनी ही देर में गैस किसी बंदे ने उनका चचा का काम तमाम कर दिया गैस एवेंजर चचा का। तो अभी कर क्या कर सकते हैं गैस यहाँ पर, तो अभी हम लोग रूम्स कर लेंगे गैस यहाँ पे। तो एवेंजर चचा दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अभी हम लोग रूम्स कर लेंगे गैस यहाँ पे ग्रीन ब्लू पर्पल। तो पर्पल कार्ड तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास ब्लू कार्ड है और ग्रीन कार्ड भी है। तो अभी ग्रीन रूम ओपन कर लेते गैस, फिर इसके बाद ब्लू रूम में पर्पल कार्ड होगा तो उसको भी ओपन करेंगे गैस यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो भसड़ मची हुई है लूट की, तो एक टूल बॉक्स यहाँ पे हमको तोड़ने को मिल चुका है। तो अभी हम लोग चलते गए सीधा से पर्पल रूम, अरे ब्लू रूम की तरफ। तो पर्पल रूम में हमने चेक कर लिया गाइस लूट है पर्पल रूम में, तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से ब्लू रूम। तो ब्लू रूम में, तो ब्लू रूम से हमें पर्पल कार्ड मिल जाएगा, तो हम लोग फिर ओपन कर लेंगे पर्पल रूम। पर्पल रूम में भी पूरा फुल है, 2 एमओ चेस्ट और एक एडवांस एमओ चेस्ट है गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सर यहाँ पे। देखो होता क्या, चीज़ें मेरे को डिस्कॉर्ड पे बोल रहा था कि यहाँ पर गाइस ऊपर एमओ चेस्ट रॉयल तोड़ोगे, तो मैं क्या नहीं तुम तोड़ लो, फिर वो बाद में बोलने लगा तोड़ लो। तो मैं उतना दूर क्या जाता गाइस, यहाँ से मुझे दूर से एमओ चेस्ट दिख रहा था, मैंने अपनी निकाली उजी और उस एमओ चेस्ट पे एक गोली मार दी। तो गाइस ऐसे सस्ता काम हो गया गाइस, मतलब रास्ते का काम सस्ते में हो गया गाइस यहाँ पर। तो अभी हम लोग चलते गए सीधा पर ब्लू रूम ओपन करते हैं, इसके बाद इसके अंदर पर्पल कार्ड भी दिख रहा है गाइस वहाँ पे, और एक एमओ चेस्ट भी जिसको मैं तोड़ूंगा। तो अभी जल्दी से गाइस यहाँ पर रजिस्टर लगाने गया है चीसी, तो यहाँ पर रजिस्टर लगा दिया। तो अभी हम लोग इसको स्वाइप करते हैं और यहाँ पर सबसे उठाते हैं अपना पर्पल कार्ड यहाँ पे, और एमओ चेस का भी यहाँ पे उड़ा देते हैं। तो एमओ चेस से बिल्कुल ही टट्टी लूट मिली है, सिर्फ 4 ईपी मिल गया, चलो ईपी ठीक है गाइस, चलो कुछ तो मिला। तो अभी हम लोग चलते गए सीधा पर्पल रूम ओपन करने गए यहाँ पे, और पर्पल रूम भी ओपन कर लेते गए, उसके अंदर भी 2 एमओ चेस है और एक एडवांस एमओ चेस, जिससे अच्छी लूट मिल जाना चाहिए यहाँ पे, एक एयर गन तो मिल ही जाना चाहिए गाइस पर्पल रूम से। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी लग चुका है, बस हमको अंदर जाके रूम में कार्ड स्वाइप करना है। तो और एतमा, अरे लेना एमएसआई भाई यहाँ पे मर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग अंदर आ चुके हैं गाइस यहाँ पर, और यहाँ पे 2 एमओ चेस्ट, और ये गलत काम किया। कभी भी आप लोग गाइस ना सप्लाई चेस्ट तोड़ने के बाद लास्ट में एमओ चेस्ट तोड़ा करो, फिर एमओ चेस्ट के बाद में एडवांस एमओ चेस्ट, ये सब आखिरी में तोड़ा करो, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लूट जो अच्छा मिल जाएगा। अगर आप लोग सेकेंड लास्ट एमओ चेस्ट और लास्ट में एडवांस एमओ चेस्ट तोड़ो, सप्लाई चेस्ट तोड़ने के बाद गए सब फिर एमओ चेस्ट, फिर एमओ चेस्ट के बाद लास्ट में आप लोग एडवांस एमओ चेस्ट तोड़ा करो, तब थोड़ा अच्छा लूट मिल सकता है। और गए यहाँ पे हम लोग आए रहे थे, तो यहाँ पे मैं वापस आया था, तो बाकी बंदे चले गए, लेकिन यहाँ पे गए एक बेस था जो कि लगभग टूट चुका था, इसके अंदर से गए मुझे लगभग 2000 सल्फर मिल गया, जिसमें से 4000 जो था वो रिफाइन, अरे 400 रिफाइन था, और 1600 ऐसे लगभग 2200 सल्फर मिल गए, और थोड़े से आयरन यहाँ से मिल गए थे। तो ये बेस पूरा टूट चुका है गाइस, देख सकते हो सिर्फ स्टील का बचा है यहाँ पर, और लगभग शायद स्टोन का जो था वो टूट गया, क्योंकि स्टोन का मेंटेनेंस नहीं रहा होगा गाइस, इसलिए स्टोन का टूट गया। लेकिन बेसल जो वो स्टोन की ही है मेरे हिसाब से, शायद आयरन नहीं रहा होगा, तो आयरन का जो था वो टूट गया। तो सो गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।